पिछले टर्म पे हम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे, बेसिक टर्म। उसमें हम मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके थे, सूडो मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके थे, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके थे, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके थे। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट स्पेस था वो हम पढ़ चुके थे। अभी बहुत सारे मैट्रिक स्पेस हैं, जैसे बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस, इसकी भी चर्चा हम कर चुके थे। फिर से फंक्शनल स्पेस है, बहुत सारे स्पेस है, जितना मतलब इम्पॉर्टेंट है उतना हमने करवा दिया है। क्लियर? ठीक है, आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैट्रिक स्पेस के बेसिक टर्म में एक नया टॉपिक है, स्फेयर। स्फेयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्फेयर क्या होता है, इसको गोला बोलते हैं या बॉल भी कह सकते हैं। स्फेयर में हम दो तरह के स्फेयर की चर्चा करेंगे। पहला आपका स्फेयर जो होगा वो ओपन स्फेयर होगा, दूसरा जो स्फेयर होगा वो आपका क्लोज स्फेयर होगा। पहले ओपन स्फेयर देखते हैं, डिफिनेशन इसका देखते हैं क्या होता है। देखिए, ओपन स्फेयर का डेफिनेशन है, क्या कह रहा है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स जीरो बिलोंग एक्स इफ आर इज एनी रियल नंबर देन द सेट एक्स बिलोंग एक्स सच दैट डी एक्स कॉमा एक्स जीरो इज लेस देन आर इज कॉल्ड इन ओपन स्फेयर। द पॉइंट एक्स जीरो इज कॉल्ड द सेंटर एंड आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फेयर। वी डिनोट ओपन स्फेयर बाई एस आर एक्स जीरो, ये ओपन है, या एस एक्स जीरो आर, या बी आर, बॉल से लिखेंगे बी आर एक्स जीरो, या इसको लिख सकते हैं बी एक्स कॉमा जीरो आर। ठीक है, चारों नाम से इसको इसको मतलब देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि मान लिया एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, और उस मैट्रिक स्पेस में एक्स जीरो कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एक्स जीरो बिलोंग एक्स, और कह रहा है कि एक रियल नंबर भी है उसमें आर। आर जो आपका रियल नंबर होगा, तो जब स्फेयर मैट्रिक स्पेस में बनाएंगे तो उसमें करना ये है आपको कि एक और एलिमेंट लेना है एक्स का, सेट एक्स में एक और एलिमेंट लेंगे एक्स, और एक्स कॉमा एक्स जीरो से एक स्फेयर बनाएंगे। वो स्फेयर जो होगा वो क्या होगा, आर से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए आगे क्या हम बता रहे हैं, मान लिया ये आपका कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स टी, ठीक है, इसमें ये तो नॉन एम्प्टी सेट है, बहुत सारे सेट हैं, इसमें किसी एलिमेंट को लेकर के हमने एक स्फेयर बना दिया। इस स्फेयर को ओपन स्फेयर नहीं बोलेंगे, इसमें मान लिया ये आपका एक्स जीरो आपका सेंटर हो गया, ये आर रेडियस, यानी कि एक्स जीरो सेंटर और आर रेडियस से एक हमने क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया। जरा डिफिनेशन में देखिए, कह रहा है कि ओपन स्फीयर तब होगा जब एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन क्या हो, आर हो। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई पॉइंट इसमें लेंगे, जो भी कोई मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, चाहे यहाँ ले लिया, यहाँ जहाँ भी ले रहे हैं, तो यहाँ से आपका एक यहाँ से एक रेडियस निकाल लेंगे यार, चाहे यहाँ लिया तो यहाँ से निकाल लेंगे यार। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये रेडियस होगा वो आर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि जो ये पॉइंट निकलेगा इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा आर से क्या होगी, छोटा होगी। मीन्स ये हुआ कि ओपन स्फीयर जो होगा वह जो रेडियस है, रेडियस से हमेशा छोटा होगा, बाउंड्री लाइन के कोई भी पॉइंट ओपन स्फीयर में नहीं लिए जाते हैं। मेरी बात समझ में आई,
ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे, यहाँ से ओपन स्क्वायर बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, लेकिन इस बाउंड्री लाइन से ओपन स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है ओपन स्फेयर का, कह रहा है डिस्क्राइब ओपन स्फेयर फॉर यूजुअल मैट्रिक स्पेस फॉर आर। तो सबसे पहले यूजुअल मैट्रिक स्पेस को हम डिफाइन करेंगे, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, यूजुअल मैट्रिक फॉर आर डिफाइंड बाय डी एक्स कामा वाई, दिस इंप्लाई दैट मॉड ऑफ एक्स कामा वाई फॉर आर एक्स कामा वाई मिला आर। आर क्या है आपका, रियल नंबर है। आर आपका क्या है, रियल नंबर है। इसमें हम क्या कर लेंगे, एक सेंटर ले लेंगे एक्स जीरो, ये किस में बिलोंग करेगा, आर में, फ्रॉम डिफिनीशन से ओपन स्फीयर के। अच्छा आर आपका होगा, आर क्या है आपका, आर आपका रेडियस है। तो अगर हम वो एक ओपन स्फीयर बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, एस आर एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स बिलोंग एक्स सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन आर। अब इसको यूजुअल मैट्रिक स्पेस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो, यानी वाई की जगह क्या लिख देंगे, एक्स जीरो लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर, एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर। दिस इंप्लाई दैट ये आपका जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, होगा एक्स माइनस एक्स जीरो का माइनस आर से इज लेस देन एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन एक्स जीरो। जब मॉड हटाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स जीरो माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन एक्स जीरो प्लस आर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स जीरो माइनस आर से एक्स जीरो प्लस आर तक बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू लेंगे इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच में रहेगा, तभी आपका ओपन स्फीयर बनेगा। क्लियर है। इसमें करना आपको ये है कि एक मैट्रिक स्पेस लेंगे, मैट्रिक स्पेस में एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, सॉरी स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर में क्या होगा, एक सेंट्रल होगा जिसको एक्स जीरो बोलते हैं, और आर रेडियस लेकर के एक स्फीयर बना लिया, तो जो आर रेडियस लेके स्फीयर बनाए हैं उस बाउंड्री पॉइंट के बाउंड्री पॉइंट के अंदर के जितने पॉइंट होंगे उससे लेकर अगर स्फीयर बनाया जाए तो क्या होगा, स्फीयर ओपन स्फीयर होगा, बाउंड्री लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं लिया जाएगा, बाउंड्री लाइन के अंदर के पॉइंट को लिया जाएगा ओपन स्फीयर बनाने के लिए। क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल लिया गया है, एक ओपन स्फीयर डिस्क्राइब करना है, उसमें कह रहा है कि यदि एक्स जीरो इज इक्वल टू टू हो, एक्स जीरो टू का मतलब, एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया, सेंटर, सेंटर टू हो एंड रेडियस क्या दिया है, वन दिया है, तो कह रहे फाइंड फाइंड एच टू आर। अच्छा एच टू आर में टू क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और कह रहा है कि मान लिया जो सेट है आपका, यानी कि एक्स बिलोंग एक्स जो हो रहा था, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू, मान लिया एक्स वन बराबर वन हो गया, एक्स टू बराबर टू हो गया, एक्स थ्री बराबर थ्री हो गया, तीनों पॉइंट पे हम ओपन स्फीयर को ड्रा करेंगे, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पहले x बराबर वन के लिए हम देखते हैं,
तो आपका जो डिफिनेशन है ओपन स्फीयर का वो लिखिए, एस टू आर दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग एक्स सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन आर। चेक करना है कि ओपन स्फीयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग एक्स सच दैट, और इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर। सबकी हम वैल्यू रख देते हैं, एक्स बराबर क्या है, वन है, वन माइनस, और एक्स जीरो आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर कितना दिया है यहाँ पे, टू दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इज लेस देन आर। आर बराबर कितना दिया है, वन दिया है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो टू में से वन जा वन, यानी कि माइनस वन का मॉड निकालेंगे क्या हो जाएगा, वन, और इज लेस देन वन, वन इज लेस देन वन तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्स बराबर वन पे ये आपका ओपन स्फीयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक्स बराबर वन पे आपका ओपन स्फीयर नहीं बनेगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, एक्स बराबर टू पे, फॉर एक्स बराबर टू पे देखते हैं, डिफिनीशन आपका वही होगा, एस टू आर दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग एक्स सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन आर। हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो मॉड इज लेस देन आर, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बराबर हमने क्या लिया है, टू, और सेंटर क्या है, टू है, और रेडियस आपका वन दिया हुआ है, दिस इम्प्लाई दैट टू में टू या क्या हो जाएगा, जीरो इज लेस देन वन। इसका मतलब यहाँ देखिए, डिफिनीशन से देखा जाए तो यहाँ जो रेडियस जो है, ठीक है ना, जो भी हम एलिमेंट लें डी एक्स का मैं एक्स जीरो की जो वैल्यू आ रही है वो रेडियस से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका एक ओपन स्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आपका एक ओपन स्फीयर बन जाएगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप फिर पूछ लीजिएगा। अगली बार x बराबर थ्री पर निकालते हैं, फॉर x बराबर थ्री पर एस टू कामा आर दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग x सच दैट d x कामा x जीरो इज लेस देन r, और इसको इजुअल मैट्रिक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बराबर थ्री लेना है तो थ्री माइनस एक्स, ये सेंटर है आपका तो टू हो जाएगा, इज लेस देन आर, दिस इम्प्लाई दैट, सॉरी यहाँ पर रेडियस लिख दीजिए, थ्री में टू जाए वन, मॉड वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर देखिए एक जो है एक से छोटा तो है नहीं, इसका मतलब यह है कि यहाँ भी अगर x बराबर थ्री लिया जाए तो इस पॉइंट पर भी ओपन स्फीयर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो ज़रा एक बार आप लोग देख करके क्लियर कर लीजिएगा। x बराबर जो सेट हमने लिया था, सेट हमारा था x बराबर वन टू थ्री, ठीक है ना, फिर से देख लीजिएगा, एक ओपन स्फीयर हमको डिस्क्राइब करना था जो एक्स बराबर जीरो पे, एक्स एक्स बराबर क्या है, जीरो है, और एक्स जीरो क्या है, सेंटर है, रेडियस आर दिया है, एस टू आर पर निकालना था। अच्छा एस टू आर भी समझना होगा, ये ओपन स्फीयर है, टू क्या है आपका, सेंटर है, आर क्या है आपका, रेडियस है, तो इसमें हमको एक पॉइंट जरूर निकालना पड़ेगा जो सेट से लिया जाएगा। तो सेट से हमने जो पॉइंट लिया एक्स बराबर वन ले लिया, फिर एक टू लिया, एक बार थ्री लिया, तो बारी बारी से हम सब पे निकालेंगे। तो हमने देखिए निकाल के दिखा दिया, अगर एक्स बराबर वन पर निकाले हैं तो या एक्स बराबर वन हो जाएगा, एक्स जीरो का मान क्या दिया हुआ है, टू है, ऐसे हमने निकाल के दिखाया तो क्या दिखा रहा है कि वन इज लेस देन वन तो होगा नहीं। इसका मतलब एक्स बराबर वन पर ओपन स्फीयर नहीं बनेगा। ऐसे ही हमने एक्स बराबर टू पर निकाला तो हमने क्या देखा कि जो डी एक्स का मैं एक्स जीरो का जो वैल्यू आ रहा है वन से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पे ओपन स्फीयर बन जाएगा। और लास्ट में एक्स बराबर थ्री पर हमने निकाला तो यहाँ भी आपका वैल्यू क्या है, वन से
वन के बराबर आ रहा है, वन से छोटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस पर भी ओपन स्फीयर नहीं बनेगा। क्लियर है? अगली बार हम चर्चा करेंगे क्लोज स्फीयर का, और नेक्स्ट टाइम पे एक बार और एग्जांपल को समझा देंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना है।